दोस्तों जो है सही वीडियो में है वही। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो क्रीम टीवी। दोस्तों आज के वीडियो में कैश ई नाम का जो ज़बरदस्त और बेहतरीन लोन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, उसके बारे में आप सभी को एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं। दोस्तों कैश ई के बारे में जो अपडेट मैं कहने जा रहा हूँ, उससे पहले अभी तक आपने इन्फो क्रीम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो यह एप्लीकेशन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं 25 फरवरी 2016 से अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी लोगों को ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कर चुकी है। अभी हाल ही में मार्च 4, 2019 को इसका एक नया अपडेट आया है। अभी तक आपने देखा होगा कि इसमें 1 मिलियन प्लस के डाउनलोड्स है। दोस्तों क्रेडिट बी की तरह ही ये भी एक नंबर वन लोन एप्लीकेशन है, फुली ऑनलाइन प्रोसेस है। दोस्तों एक चीज़ है जो कैश ई को दूसरे लोन एप्लीकेशंस और वेबसाइट से अलग बनाती है, वो ये है कि उनका अपना एक पेटेंटेड क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है जो करंट बैंक का जो क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है। इसका नाम है SLQ, सोशल लोन क्वोशंट। उसके बेसिस पे कैश ई आपको लोन प्रोवाइड करती है। ये कैश ई का अपना खुद का क्रेडिट रेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है कि जब आप अपना डिटेल्स अपडेट करते हैं उसके बाद जो जो डेटा इनपुट्स, डेटा पॉइंट्स उसको मिलता है एप्लीकेशन को, उसके बेसिस पे प्लस आपका सोशल मीडिया फुटप्रिंट है उसके बेसिस पे आपके सोशल बिहेवियर पे आपका जो रेम्यूनरेशन है वो, फिनेंशियल हिस्ट्री, एजुकेशन, सबको रियल टाइम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है और रियल टाइम प्रोसेस है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे अपना डिटेल्स तो आपका SLQ स्कोर, जो कैश ई का अपना क्रेडिट स्कोर है, वो जनरेट होता है और उसके बेसिस पे ही आपको लोन मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देखेंगे तो मेरा SLQ स्कोर जनरेट हुआ है जब मैंने डॉक्यूमेंट्स फीड किया था और मेरा प्रोफाइल अपडेट किया था। उसी तरह का आपका भी जनरेट होगा तो उसी के बेसिस पे आप सभी को लोन मिलता है। तो अपडेट ये है दोस्तों कि ये एप्लीकेशन का लेटेस्ट अपडेट आया है मार्च 4, 2019 को। तो अपडेट होने के बाद ये कैश ई एप्लीकेशन हर एक कस्टमर से जो ऑलरेडी इसका कस्टमर रह चुका है तो उसके पास लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट्स और लेटेस्ट सैलरी स्लिप की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि समय समय पर ये कैश ई एप्लीकेशन लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहता है, जैसे कि लेटेस्ट लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ, लेटेस्ट ID प्रूफ वगैरह। तो इससे कोई मायने नहीं रखती कि अगर आपने इस कैश ई में ऑलरेडी पहले 10 बार 20 बार लोन लिया हो, तो ये अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया उसके बाद आपको फिर से लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही होगा, जैसे कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, अगर आपने कंपनी चेंज किया है तो उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर से आपका डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर जो आपका नया वाला SLQ स्कोर, जो कैश ई का अपना खुद का क्रेडिट स्कोर जो जनरेट होता है, उसके बेसिस पर आपको फिर से लोन मिलेगा। तो ये नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिर से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, भले ही आपने पहले 10 से 20 बार लोन लिया हो। तो मुझे लगता है कि लास्ट वीक या उससे पहले जो इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन सभी को SMS और मेल आया होगा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो यही है दोस्तों ये कैश ई का अपडेट कि जब जब वो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहता है आप तुरंत अपलोड कर दीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट लोन है वो लेने में आसानी हो और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अप टू डेट इस एप्लीकेशन में अपडेटेड रहे। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि कैश ई एप्लीकेशन में होना चाहिए वो ये कि इनके पास कॉन्टेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट नंबर होना ही चाहिए ताकि कस्टमर्स रियल टाइम पर उनके जो अर्जेंटली क्वेरीज है और इश्यूज़ है वो सॉल्व करवा सके। कैश ई के पास ईमेल सपोर्ट तो है, वो तो ठीक है, वो तो अगर कैश ई को कस्टमर के पास से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवाना हो या डॉक्यूमेंट्स मंगवाना हो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर अर्जेंटली कोई इश्यू फेस कर रहा है या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसका सॉल्यूशन चाहिए कस्टमर को,
तो एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट नंबर होना ही चाहिए, ये मैं समझता हूँ। आप क्या समझते हैं कमेंट्स में ज़रूर लीव कीजिए। अगर कैशी का कोई टीम इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ 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 इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिए और एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर को वो लोग जनरेट करके रख सकते हैं ताकि पब्लिक उसका यूज़ कर सके। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए ताकि अगर वो भी कैश ई ऐप से लोन लेना चाहते हैं या ऑलरेडी उन्होंने लोन लिया हुआ है और ये अपडेट उनको मालूम नहीं है तो ये वीडियो उनकी काफ़ी मदद कर देगी। अभी तक आपने इन्फोक्रीम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।